सोनाली यहां से कहीं नहीं जाएगी। हां जी। मॉम, सोनाली के यहां आने से पहले तक आप उसको जानती तक नहीं थी, सडनली आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों करने लग गई? रणवीर, सोनाली ने तुम्हारी जान बचाई थी। ठीक है मॉम, इसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कुछ भी करे। और वैसे भी मॉम, अगर सुमन और मेरे बीच में कोई भी आएगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सोनाली, कह रहा हूं। अंतिम, मैंने कुछ नहीं किया। Trust me, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कर रहे हो तुम रणवीर? ये तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए। ये जे के ढीली ढाली लेना बोल रही है। अरे कुछ नमक मिर्च लगा के ड्रामा कर सिंधु। Really मॉम, मॉम मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए यहाँ पर आई। कहीं आप ही ने तो इसको यहाँ नहीं बुलाया? What rubbish! कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम। मैं इसे जानती तक नहीं, ये तुम्हारी फ्रेंड है, मेरी नहीं। Exactly mom, exactly, that's my point. आप इसे नहीं जानती, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसलिए प्लीज मॉम, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। अगर इस छोरी ने मुंह खोल के हमारा नाम बता दिया ना, तो खेल बिगड़ जाएगा। कलावती आंटी, आंटी आप उसे समझाइए ना, देखिए वो क्या बोल रहा है। आप ही ने तुम्हें मैंने कितना समझाया तुझे, पर तू माने ना भाई। तू यहाँ क्यों रुक रही है? सुमन की बात मान ले, रबड़ की तरह किसी चीज को ना खींचते हैं। देख जो मारी बात मान, जो तू यहाँ रुकी तो जो बना बनाया काम है ना, वो भी बिगड़ जाएगा। थारी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा, समझी? सोनाली, माँ साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक है। देखो तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो।